आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को नमस्ते, मैं सीमा राजपूत बोल रही हूँ केयर इंडिया से और नेशनल आरटी फोरम के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। अब मुझे खुशी है कि आज हम इस मीटिंग को कर पाए और बहुत सारे जो ग्राउंड से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो रियलिटीज हैं, जिनको सरकार ने बोला है कि इस तरीके का रिलीफ जा रहा है कोविड के लिए, लेकिन हकीकत क्या है वो सब लोगों ने आपने आज शेयर किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब भी बात करते हैं और एडवोकेसी की बात करते हैं, हमें कुछ एविडेंस अपने हाथ में रखना चाहिए और आई एम श्योर कि हमारे जो साथी संस्थाएं हैं, कुछ लोगों ने सर्वे भी किया है जो मुझे सुनाई पड़ा है। तो मुझे लगता है कि एडवोकेसी स्ट्रेटजी या अपने बिहार आरटी फोरम की लार्जर स्ट्रेटजी तो हम बनाए ही बनाए, लेकिन सबसे पहले इस समय जो भी संस्थाएं हमारे साथ बिहार में काम कर रही हैं, हम लगातार जो भी सर्वे वो कर रहे हैं उनका डेटा और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको जरूर साथ में रखें, क्योंकि जब तक हम एविडेंस के साथ नहीं बोलेंगे सरकार को शायद हम हिला नहीं सकते हैं। तो एक काम मुझे लगता है कि सारे डेटा को या एविडेंस जो सर्वे आप लोगों ने किए हैं और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाने की कोशिश की है जो मैं सुन पा रही थी, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है, उस डॉक्यूमेंट्री के साथ भी वो सारे डेटा को, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्री को हम एक जगह इकट्ठा करें। दूसरा मुझे लगता है कि अंकित ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि इस तरीके के डिस्कशंस हम कर रहे हैं वो जरूरी भी है ताकि हम अपनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना सके और आगे की रणनीति बनाने में मददगार साबित होता है कि हम सब साथ मिलकर के बातचीत करें और किस तरीके के कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालते हैं। पर क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आज जो भी बातचीत निकल के आई है उसके बेस पर आप ही लोगों ने कहा भी है कि एक मेमोरेंडम बनाया जाए। मेमोरेंडम बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों को बहुत अनुभव है, आज की बातों में भी बहुत सजेशन आया, मेमोरेंडम बना सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा फोकस्ड हो जाएं, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो बिहार के बच्चे हैं, जो महादलित बच्चे हैं, जो बहुत ही कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं खासतौर से, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं और जो अब नए माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं उनके बच्चे हैं। इन सब बच्चों को आप शिक्षा से शायद काफी दूर रहना पड़े और काफी लंबे समय तक दूर रहना पड़े और बिहार फिर से एक नया नंबर लेकर के आएगा। जब भी कभी सर्वे होगा हमें देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा बिहार में निकल करके आएगा और आंकड़े के साथ साथ में इन बच्चों की रियलिटीज, जो लेबर में, ट्रैफिकिंग, फलाना फलाना चीजों में इन बच्चों को पुश किया ही जाएगा। तो लगता है कि मेमोरेंडम के साथ में हमको एक ठोस एक्शन प्लान सरकार के लिए, जब भी हम इसको सबमिट करें उनके साथ हमें ये एक्शन प्लान हम बनाएं कि क्या क्या मुद्दे हैं और इन मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उनकी क्या रणनीति हो सकती है और उसके लिए किस तरीके के एक्शंस लिए जाने की जरूरत है, ताकि हर बार उनको ये ना लगे कि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है मेमोरेंडम और चार पांच बातों को हम वहां पर रख रहे हैं, दस बातों को रख रहे हैं, पर इनको किया कैसे जाए, मतलब सरकार के लिए एक रोड मैप क्या होना चाहिए। तो क्योंकि हम लोगों को उस तरीके का अनुभव है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, ये मुश्किल समय में जो समुदाय जिस तरीके से रह रहे हैं उनकी हकीकत को हम देख पा रहे हैं, वो एक्शन प्लान हम जरूर उसके साथ में रखें। और दूसरा एक ये है कि इसको सबमिट करने के बाद हमें एक थोड़ा फॉलो अप स्ट्रेटजी भी सोचना चाहिए कि हम मेमोरेंडम बना देते हैं, एक्शन प्लान बना देते हैं, सरकार को सबमिट कर देते हैं, लेकिन क्या उसका असर कितना हुआ, कि हमारी बात सरकार में किसी ने सुनी भी है कि नहीं सुनी है, उसको लेकर के हमें सोचना पड़ेगा कि वो क्या तरीके होते हैं कि हम कब दोबारा सरकार के पास पहुंचेंगे सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने प्रयास किए हैं, जो हमने आपको सजेशंस दिए हैं, उन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए मीडिया, मुझे लगता है जैसा अंकित ने भी कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मीडिया में कहीं कोई बच्चों के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, उनकी शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, उनकी वेलबींग को लेकर के भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज हम जितने भी साथी लोग हमारे यहाँ पे साथ हैं, हम सब लोग थोड़ा वॉलंटियर होकर के जो भी मेमोरेंडम बन रहा है या जो भी हम एक्शन प्लान बना रहे हैं उसमें वॉलंटियर करें कि कुछ 8-10 लोग हम आपस में से निकलें और एक समय सीमा निर्धारित करें कि अगले 2-3 दिन में हम लोग इस मेमोरेंडम और ये जो भी एक्शन प्लान है उसका एक स्वरूप तैयार कर लें और उसको अगली चर्चा में, क्योंकि एक चर्चा से शायद पर्याप्त नहीं होगा बातचीत करना, इसके लिए 2-3 चर्चाएं चाहिए होंगी, अगली चर्चा में हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें, साथियों के सुझाव लें और फिर फाइनल करके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से फॉलो अप किया जाए, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।